बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से दुआएं हैं कि अल्लाह पाक सबको खुश रखे अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, आज हम जा रहे थे नवाबशाह, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक गाड़ी में ना इतने सारे लोग खड़े हुए थे, तो मुझे देख के बड़ी हैरत हो रही थी और मुझे इतना डर लग रहा था कि कहीं कोई गिर ना जाए, कोई फिसल ना जाए। तो बस ये जा रहे हैं, ये लोग लेबर लोग हैं, और बड़ी हिम्मत की बात होती है इस तरह से सफ़र करना। तो मैंने थोड़ी सी जो है ना इनकी वीडियो बना ली थी, और मैंने अक्सर जो है ना ऐसी देखती हूँ मैं कि औरतें भी जो है ना वो बैठी होती हैं और बच्चे भी बैठे होते हैं। तो बस मैं यही कह रही थी कि अल्लाह पाक साथ खड़े से इनका सफ़र जो है ना तय हो जाए, आमीन सुबह आमीन। बस सुबह उठा दिए, 9 बजे उठा दिए थे ना, 9 बजे उठा दिया। मुझे इतनी तेज नींद आ रही है, दिल कर रहा है यार चाय पिला दो कोई अच्छी सी। चाय आगे मिलेगी, रोल खा लो पहले। और तहसीन गया है रोल लेने के लिए, हमने नाश्ता नहीं करा, बस ऐसे ही हम लोग बस मुंह हाथ धोकर और निकल गए थे। तो अभी तहसीन गया है, यहाँ के हाला है ना, ये हाला में यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना है, यहाँ पे रोल बहुत अच्छे होते हैं। ये क्या चाय है? क्या चाय? दूध है, दूध। दूध? नहीं नहीं कुछ और है। दूध है? अरे कुछ और है, दूध ऐसे थोड़ी ना चलाएगा वो। ये दूध ही है, कुछ और दाल और पका रहा हूँ। हाँ यार, चाय मिल जाएगी क्या भाई? चाय नहीं अवेलेबल। जी क्या बना रहे हो? यार खाना होता है गरीब में, लंच है। अच्छा, क्या बने नहीं क्या? वो बोला ना तो गरीबों का खाना होता है, तुम तो गरीबों का खाना खाने आ गए। वो बोला गरीबों का खाना होता है। हंगर सिक एंड क्या बना रहे हो आप? ये क्या बना रहे हो? आलू पालक। आपको पैसे दे देंगे तो आप खिला देते हो खाना? 50 रुपए में एक सालन होता है, 2 रोटी होती है। क्या बस यही होगा, एक ही चीज होती है। हफ्ते में आइटम चेंज होता है। अच्छा खाना खा लो, ये इन गरीबों को खिला दीजिएगा। काफी अच्छे बात खा रही हूँ ये रोल। ये दान का पराठा, दान का पराठा, और इसमें क्या है? मैगी चटनी वेजिटेबल। वेजी रोल खा लो जी, किस चीज को खाना है? क्या होता है वेजी रोल में? मैगी। मैगी होती है? यहाँ की अच्छी होती क्या चाय? हैं? देखेंगे पी के। और चन्नी कितनी बड़ी है इसी? फी कप 60 रुपए। कप बेच रहा है या गोलगप्पे बेच रहा है? पता नहीं, फी कप 60 रुपए। समोसे कप का क्या है? फी कप पता नहीं क्या साहब है। यार आदमी खा के खो तो नहीं जाएगा? आदमी खा के खो तो नहीं जाता? खोया बाबा, खोया। अच्छा वो खोया बाबा, तेसिन किधर खोया? आला खोया। इनकी तो अपनी गाय बेचे हैं यार। दूध बनता है तो इनकी तो अपनी गाय बेचे है ना? नहीं अपनी गाय नहीं है, सब गाय तो अपनी है ना यार। यहाँ से छोटी की थोड़े से धागे निकले हुए, ये दे रहा था 500 की। फिर कितने की थी?
150 की। मैं कह रहा 200 दे दो, मैं 200 दे रही थी, मैंने ऐसी बोल दी, मैंने कहा 150 ले लो, तेरा लाओ लाओ देखो। अब धागे निकले या कुछ ये तो बिल्कुल निकल जाएगी बाकी। और 150 के धागे तो लग गए, धागे तो हैं। अरे ला ये चाय पीकी है, मीठी है, पीकी है ये चाय, पलटस जो मजो क्या, चाय तो अच्छी लग रही है, ये मीठी है। हाँ यार वो लो चाय, और वो देखिए मीठी है तेरी पीकी है, मैं समझा नहीं, ये मेरी मीठी है, मीठी कर दे दी, पीकी तो दे दी, पीकी का इधर होगी, ये लो देखो। चिंची क्या, चिंची बोलते हैं, ये देखो जी ये क्या है। और ये शोपर, शोपर में भर भर के लेके आ रही हो, शोपर में भर के लेके आ रही हो, क्या करोगी इसका, क्या करोगे हैं, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर, यहाँ पर आओ यहाँ पर आओ, ये चोपर में भर के ले, क्या करोगे इसका, उपला बनाओगे। अच्छा लोग कितने अच्छे छोटे छोटे से बच्चे है ना, काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं ना, ये लगाके उपले बनाएंगे, लेकिन मेहनती बच्चे हैं। एक रुपए का एक उपला मिल रहा है, हाँ खाना बनता है, वो लेके जा रहे हैं ना अभी बच्चे, 100 रुपए के 100 उपले, 100 रुपए के, हाँ 100 रुपए के 100, तो वो तो मैं कह रही हूँ अल्लाह ताला ने देखो दिमाग में ये सोच डाली किस तरह इसको इस तरह से यूज करो, भूसा मिला के बड़ी अच्छी गैस बनती है, अब तो साइंस बना रही है इसे, यानी चूल्हे को ही पता था गाय के अंदर कितना गैस है। इतने साल पहले लोगों को देखो, मैं कहती हूँ अकल को सलाम है उनका, वो जो मुंह चलाती रहती है ना आंग 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 गैस बनाती रहती है, जब निकलता ना फिर चूल्हा जलता है, कितनी मेहनत का काम है, इंसान चलाएगा इतनी जल्दी मुंह, सही बात, इंसान तो बस यू खाया यू ही खत्म कर लेता, फिर होता है गैस होता गैस होना, असल मेहनत तो इनकी है, तवा थोड़ी वो नीचे छोटी सी सीढ़ी सी बना रखी है, उसमें उन्होंने दो चार लकड़ी डाल के ये गोबर रख दिया, गोबर रख के उन्होंने आग जलाई, फिर वो इसी हाथ पकड़ती टाइट सूख जाता है ना, सूख जाता है ना, बड़ी अच्छी गैस बनती है, हाँ इसको सुखाते हैं मेरे, फिर वो बदबू खत्म हो जाती है, ये तो अभी नहीं आ रही मुझे तो बदबू, नहीं बदबू अपन खड़े हुए तो कहाँ आ रही थी अभी, नहीं गोबर में बल्कि जंपिंग हो रही थी, अच्छी जंपिंग कर रहा था, यकीन करो मैं दोनों वाइब्रेशन क्यों रही थी, चल क्यों रहा है, गोबर में दो काम है, बच्चों के लिए जंपिंग भी है, चूल्हे के लिए गैस भी है, और जैसे मतलब मचाओ मचाओ, मैंने क्यों क्या हो गया वो समझ रहा, मैं अंदर ही आ रही हूँ, समझा उपले बनाने जा रहे हैं, बहुत पता ही नहीं हो उपले बोलते कैसे, हाँ बहुत सो नहीं पता, उपलों का नहीं पता उपले होते क्या है, पता तो है क्या बोलते हैं लोग, फुगनी का नहीं पता, फुगनी क्या, हाँ कल भी बोले थी फुगनी, तो वो बोली मत फुगनी क्या, मैंने कहा जिससे आग जलाते ना तो पहले फूकते हैं उससे फुगनी से, और मेरी वाइफ भी पुराने अल्फाज का मजाक उड़ा की, तुम्हारी अम्मी गिरी मेरे नाम ही यही थे पहले भाई, फुगनी फुगनी और वो क्या उपले उपले, वो भी होते ना बुरादे वाले अंगी जी, अब ये बोलते चबूतरे थल्ले कुछ कहते थे अल्फाज, लोग तो सीधे यार,
बहुत मेहनत करी है लोगों ने, तब बहुत मेहनत करी है। और पहले के खानों में जायके भी होते थे, अब जो झाड़ू देते हो ना तुम लोग, झाड़ू देते हो हाँ। पहले लोग मिट्टी की लिपाई करते थे पूरे पूरे सहन किचन, शाम को छिड़काव कर दिया, नाश्ते के बाद पूरा किचन बका लिपाई आता था हाँ। वो जो कॉलोश हो जाती थी मिट्टी का लिप देते थे बिल्कुल, ताकि नया घर अच्छा लगता था। मतलब खाना पकने के बाद तो आटा वो मतलब मिट्टी के ऊपर भीगी रखी होती थी बाल्टी में किसी उसमें डिब्बे में, और बस लिया उसमें और कर गया। और जब कोई प्रोग्राम होता था, कोई शादी है या कोई प्रोग्राम है, तो पूरे घर को मट्टी से लिपा जाता था, मट्टी से वो चमकता था ऐसा, उसी चिकनी खुशबू बड़ी अच्छी होती थी। पता हमारा परवेज हमारा कच्चा घर था, और ना किसी को यकीन नहीं आता था कच्चा घर है, उसमें ना कलर करते थे दो तीन महीने बाद, अम्मी कलर करती थी चूने से, तो सब बहुत अच्छा लगता है। पक्की दीवार है बिल्कुल, ऐसी चिकनी दीवारें थी हमारी बहुत, मतलब छोटी सी थी जब कच्चा घर था, खुद ही करते थे लोग, खुद ही करते थे लिपाई भी, और सुबह उठ के चूल्हे पे पुताई करते थे ना, क्या बोलते थे लिपाई करते, मट्टी की वो करते, मट्टी कपड़ा डाला हुआ था डब्बे में, उसमें और भगोनों पे ना मट्टी की तरह लगाते थे, उससे भगोना जले नहीं, खूबसूरत लगते थे बर्तन, खूबसूरत लगते थे। वो होती है मेहनत बर्तन धो के, जो होता है जैसे रोटियां बन रही है या सालन पक रहा, तो उसी में हम लोग आलू दबा देते थे अंदर, उपले के अंदर यूं करके अवन आ गए, अवन में हम स्टीम करते हैं हम लोग उसी में, मतलब जायका होता है चूल्हे के अंदर, कभी शकरकंदी दबा दी, कभी आलू दबा दी, वो आम की कुटली होती है ना वो भी रख देते थे, वो भी रख देते, उसको तोड़ के उसकी वो खाते थे अंदर की गिरी, और चिया भी भूनते थे उसमें। असल में आग देर तो वो गर्म रहता था, गर्म रहता था, यानी बुझने के बाद उसको हम दूसरे तरीके से यूज करते थे। सही है, ये नहीं है कि बस अब खाना पक गया तो बंद कर दिया, दूसरी चीज ओवन में पक गया, माइक्रोवेव में पका दिया, जल्दी जल्दी कटवाया। और मजे की बात एक और बताऊं मैं, आज तो लाइटर हीटर ये चलते है ना, उस वक्त पड़ोसी में या सामने आमने सामने किसी को चूल्हा जलाना होता था ना, तो आग लेने जाते थे लोग, कोयले नहीं आग, मतलब या तो लकड़ी जाते थे उठा के, आग मांगते थे कि आग थोड़ी आग दे देना, आग दे दे। तो उससे फिर अपने घर की आग जलाते थे वो चूल्हे। कोई उपला पकड़ के लिए आ रहा है चिमटे से, कोई लकड़ी देख के आ रहा है, तो आग भी मांगते थे एक दूसरे से, मोहब्बत थी भाई। हाँ ये भी था, अब ना मशरूम तो जमानों की आग देते एक दूसरे, और आग दे दे घर में आग लगाओ वो भी थोड़ी देर। बाकी सही बात है, अब जबान से आग देते, यकीन करो सगे रिश्ते है ना सफेद हो गए सबका, तो यही आग मोहब्बत ही सबका, ये रोटियां मांगते थे एक दूसरे से, और मांगते कहते जाके ले आते थे, तो रोटी निकाल के ले आए, एक रोटी सालन सालन लिया लेके उस घर तक, सारे घर तुम्हारे होते थे, सालन खत्म हो गया जो सामने से लिया बराबर से लिया, कटोरियां हाथ में ली, अब मुझे घर में पसंद नहीं आया खाना तो मैं किसी भी घर में जाऊंगा सालन लेके। अरे अब तुम मांग के देखो, दस मिनट बोलेंगे दस रोज का पकड़ लिया, नहीं बोलेंगे भीख मांगे, बोले अब क्या है ना ये पूछने के क्या पकाया, बोले कुछ भी नहीं पका हमारे घर में, कुछ भी नहीं पका, पहले बाहर देते थे लोग, देते थे मोहब्बत ही होती थी, रोटी लिया है सालन लिया है, ये चीज चलती थी, पहले खुला के खुश होते थे लोग, ये बात देखी है मैंने पुराने लोगों में, अब दिल दुखा के खुश होते। अब वो असल में नफ्स नफ्सी है ना, लोग समझते हैं खिलाना क्यों है, हालांकि दिल से खिला रहे होते दूसरे को। अच्छा पहले ज्यादातर लोग गलियों में सोते थे, चरपाई रात को बाहर निकाल लेते थे, लेकिन एक दौर ऐसा आया, एक आया हथौड़ा ग्रुप, उसके हथौड़े मार मार के सर खोल दिए लोगों, बड़ा खौफ आ गया था लोगों, उसके बाद ही बंद हुआ, नहीं तो सिस्टम बाहर का था पहले। अच्छा है ना, पता है क्या, हमारे महल में जब मेरी शादी हुई थी, तो क्या वो गोले वाले थे, वो मतलब गोला गंडा नहीं बेचते, वो चरपाई पे सो रहे, लोगों ने क्या करा शरारत में उनके जाके चरपाई उठा के नल के नीचे रख के आ गए, जैसे सुबह सुबह नल आता ना सब, वो ठंडा गालियां बगते चरपाई पहले शुगल मेले यही हुआ, शुगल मेले करते थे, कोई सो रहा है चरपाई लेके भाग गए, गद्दा लेके भाग गए, ये चीज होती थी, सादगी वाली जिंदगी अच्छी होती, और शाम में सब इकट्ठे हो जाते थे, मतलब पूरा मेला एक ही जगह होता था, बच्चे बाहर खेलते थे, अब तो बच्चे बाहर खेलते थे अखवा हो जाते हैं, बच्चे मोबाइलों पे लग रहे थे, नहीं अखवा हो जाते भाई बाहर, बच्चे मार देते एक दूसरे के, बच्चे एक दूसरे के घर में खेलते थे, उनके बच्चे इनके घर खेल रहे, हमारे घर में सारे पूरे मेले के बच्चे होते थे हमारे, जब
ये मौसम जैसे छोटे थे, खेल रहे हैं कि बेटे भी खेल रहे हैं, और किसी के घर आते थे हमारे बच्चे भगा देते थे, जाओ हमारा घर गंदा हो जाएगा, तो बर्दाश्त नहीं कर रहे आजकल। अच्छा जाते भी नहीं, बच्चों ने देख लिया ना एकदम मना कर दिया, या इसने कुछ ऐसी नजर से देख लिया, जाते भी समझदार होगा, बच्चे अपने घर में पड़े रहते होंगे, बच्चे समझदार होगा, बच्चों पता चल रहा था ना, हमें पता ही नहीं चलता, सही कह रहा हूँ, और अब तो वो नजर से पहचान जाएगा छोटा सा बच्चा, बच्चों में इतनी सेंस है इतनी कि बच्चे देख लेते हैं और हमें किस नजर से देख रहा है। पहले के लोग अच्छे थे, खत्म हो गए ना, आज हम जितना काम करते हैं ना आजकल की नजर करके तो दिखा दे, सवाल ही पैदा, ये बात तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं पांच पांच छह छह दफा ऊपर चले जाता हूँ किसी मशीन को। बच्चे वो जो कोड़ा बनाते थे ना दुपट्टे का बल दे दे के, वो ऐसी कमर में मारते थे, वो कोड़ा खेलते थे, चूड़ियां जो टूट जाती थी ना औरतों की चूड़ियां, उसका गेम खेलते थे चूड़ियों का, वो जमा करते थे बहुत सारी, माल में जो तोड़ते थे, कितनी मोहब्बत है आसिफ कर रहा है दुबई में, आसिफ ना दुबई में मेरी चूड़ी टूटी ना, तो आसिफ ना रुमाल में ऐसे करके तोड़ा, कह रहा देख रहा हूँ गुड़िया को कितनी मोहब्बत है, खेल गेम भी खेलते थे। ये शराब वाले लोग भी ना बैठे हुए उनके घर डूब गए वहाँ पर पीछे, अभी तक यहाँ पर लोगों के खेमे लगे हुए, अभी तक कितना पानी भरा हुआ है, पता नहीं किस तरह पानी निकलेगा, ये भेज है भेज यहाँ पे फेंक दिए, कितने सिंधी में तो उसके पूरे नंबर आते थे सिंह, रट्टा मारते थे, रट्टा मार के लिख के आए थे, अब बोल ना, अब बता ना तुझे पी जलाना चाहे, आई एम फुट्टो, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कुत्तो, अरे फुट्टो क्या हो गया फुट्टो, अब तो हम तेरे बोला आई एम फुट्टो। तो ये भी जा रहे हैं मार्केट और हम जा रहे हैं सुकून में, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कुछ पानी नहीं पियेंगे, बैठेंगे इन लोगों का वेट करेंगे, ये फिर लोग जब तक आ जाएंगे, किसी की बर्थडे हो रही है ना, बेबी की है किसी बच्चे की, पिंक वाइट, पिंक वाइट बलून कहाँ लगाएंगे, इधर सब खाना खा के जा चुके हैं, तो नहीं बैठे हो यहाँ पर, अभी हमने जो है ना ऑर्डर किया है खाना, मगर अभी आए नहीं है, तो हमने बोला ऑर्डर कर देते हैं, मगर अभी अभी मत लाना खाना, जब ये लोग आएंगे सब लेके आना, शुरू से हम लोग यहाँ ही आते हैं, तो सुकून रेस्टोरेंट है, तो सुकून में ही मैं यहाँ पर ना सुकून मिलता है, अच्छा मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, वो कहते हैं आंटी हमारे घर आइएगा, मुझे बस नसीब है जिससे मुलाकात हो जाती है मेरी, तो इसी आज मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं हो रहा था आने का, मूड ही नहीं था मेरा, मगर मैंने बोला अभी इन्होंने कहा है कि चलो, तो फिर मैंने कहा अकेले लगे थे दो घंटे का सफ़र है, दो घंटे का थे सिंजा इतना बातचीत, करीब दो सवा दो घंटे ऐसे लग जाते थे, मैंने बोला अकेले गाड़ी चलाएंगे बोर होंगे, इस वजह से फिर जो है ना मैं आ गई इनके साथ, थोड़ी सी जो है ना जो गाड़ी ड्राइव कर रहे होते ना तो उनको थोड़ी हिम्मत बन जाती है, और फिर मुझे भले को मुझे नींद भी आ रही होती ना, मैंने सोती कि अगर बराबर में कोई सो रहा होता ना तो जो ड्राइव कर रहा होता ना उसको नींद आने लगती है, तो कहते हैं ना कि ना हर आदमी की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, अगर औरत हिम्मत तोड़ देना तो फिर आदमी की हिम्मत नहीं है, कोई भी काम कर लीजिए। एक घंटा हो गया मैं यहाँ बैठे हुए, अभी तक आई नहीं है, इसे फ़ोन करा, और ये भी लोग है ना अपने सजाने में लगे हैं, किसने सरप्राइज दिया है, किसकी बनाने जाया, यहाँ पर आके बना रहा है नमाज, अच्छा बर्थडे बेबी की है, पिंक और वाइट लगे है ना बलून, हम तो जब से यही देख रहे हैं, इतनी देर हो गई इंतजार करते करते, नहीं कहा खाया, हम इंतजार कर रहे हैं इनके साथ खाएंगे, देखो मैं तो रायता भी खत्म कर लिया अपना और सलाद भी आधा कर लिया, गायब हो गया, यहाँ पे रायता रखा था यहाँ पर नहीं नहीं जादू हुआ है, हरी मिर्चे धोते हो क्या, हरी मिर्चे खाते हो,
मूंग की दाल। अच्छा ठीक है। रोटी दे रहे थे, रोटी दे रहे थे, मैं रोटी मांग रही थी, मुझे ना पैसे दे रहे और उसको ना दिमाग सुनो है, नींद पूरी नहीं हुई। सब सही है, अच्छा से जा। रास्ते में जो है ना हाला पड़ता है बीच में, तो वहाँ पे हम लोग चाय पीने के लिए रुके थे, तो यहाँ पर मुझे अजरक के सूट मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा मैं अजरक का सूट बनाऊँगी। और इससे पहले मैंने काफ़ी साल पहले बनाया था, इसके साथ वाइट जो उसका ट्राउज़र होता है, दुपट्टा होता है ना, बड़ा प्यारा सा कॉम्बिनेशन होता है, तो बड़े खूबसूरत लग रहे थे मुझे। मगर ये हुआ कि जब मैं घर लेकर आई ना और वहाँ पे मैंने देखा तो इसका जो गला है ना, यानी मतलब पूरा ऐसे मैंने करके देखा तो पूरी शर्ट जो है ना गली हुई थी, पूरा कपड़ा, तो ट्राउज़र का कपड़ा तो सही था मगर जो है ना कमीज़ है ना वो गली हुई निकली, क्योंकि डाई होता है ज़्यादातर ऐसा हो जाता है। तो जब भी आप लेना तो इस तरह से अजरक का सूट अगर आप लेना चाह रहे हैं तो लीलन में लीजिएगा। तो जी अब मैं वीडियो के जहाँ पर एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।